गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड सेशन 8 ऑफ यूनिट 3, दैट वॉज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, दैट इज इंटरनेट ब्राउजिंग। होप दिस सेशन वॉज क्लियर टू यू। सो टूडे वील स्टार्ट विद सेशन 9, दैट इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग एंड सब टाइटल ईमेल। वील डिस्कस अबाउट ईमेल एंड जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, ईमेल प्रीफिक्स एंड यूजर नेम, domain name, and finally advantage of email. So these were the topics that will be covered. So let's start. So firstly, let us start with what is email. An electronic mail or email is a digital message sent over the internet. Electronic mail ya email digital message hota hai jo hum internet ke through one person se second person third person ko send karte hain. An email entails the transfer of messages from one person to another through an internet connection. It allows for transfer of information in the form of text, images, document, spreadsheets and even videos. Email ke through hum text messages bhej sakte hain, images send kar sakte hain, documents send kar sakte hain, spreadsheets send kar sakte hain aur videos bhi send kar sakte hain. Email is very useful thing nowadays. अब क्या है, हमने अगर यहाँ से थाउजेंड्स किलोमीटर दूर बैठे बंदे को कोई मैसेज, वीडियो, टेक्स्ट या इमेज सेंड करनी है, तो अगर हम ट्रेडिशनल वेज से सेंड करेंगे, मेल करेंगे या फिर कह सकते थे टेलीग्राम के थ्रू सेंड करते थे जैसे हम पहले वो यूज़ करते, तो महीनों बाद खबर पहुँचती, महीनों बाद हमारा मैसेज उस तक पहुँचता। सो दिस इज़ द चेंज इन द टेक्नोलॉजी जो आई, जिसके थ्रू हम विद इन सेकेंड्स किसी बहुत दूर बैठे पर्सन से भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल नोन एज ईमेल। जस्ट वी रिक्वायर इज द इंटरनेट कनेक्शन, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू हम किसी बाहर बैठे बंदे को इजिली अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। एन ईमेल एड्रेस इज द डिजिटल एड्रेस दैट अलाउज अस टू लोकेट अ डेस्टिनेशन ऑन अ वेब सर्वर एलोकेटेड टू अ यूज़र। अब हमने किसी को अगर ईमेल भेजना है तो सिंपली उसका नाम टाइप करके तो ईमेल भेजेंगे नहीं, कोई ना कोई एड्रेस तो होगा, ईमेल एड्रेस होगा जिसके थ्रू हम ईमेल अपना सेंड करेंगे, तो इस एड्रेस को वी कॉल इट ईमेल एड्रेस जो हमारा वेब सर्वर पर अवेलेबल होता है उस यूज़र का जिसको हमने मेल भेजना है। द ईमेल एड्रेस कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस टू दैट पर्टिकुलर यूज़र यूजिंग द इंटरनेट। अब हमने जिस पर्टिकुलर यूज़र को वो मैसेज सेंड करना है, जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सेंड दैट मैसेज ऑन दैट ईमेल एड्रेस, जो उस यूज़र का ईमेल एड्रेस है हम वो मैसेज उसे भेज सकते हैं इजिली यूजिंग द इंटरनेट। द जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जो हमारा फॉर्मेट होता है ईमेल एड्रेस का, उसके बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, नेमली फर्स्ट वन द यूज़र नेम, सेकेंड वन एट द रेट ऑफ सिंबल एंड थर्ड वन इज डोमेन नेम। हमारा ईमेल एड्रेस थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला है यूज़र नेम, सेकेंड है एट द रेट ऑफ सिंबल और थर्ड है डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग ईमेल कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, द एट द रेट सिंबल सेपरेट्स द लोकल पार्ट ऑफ एनी ईमेल एड्रेस फ्रॉम इट्स सर्वर आइडेंटिफिकेशन। अब हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है एट द रेट ऑफ साइन, वो हमारा ईमेल एड्रेस का डोमेन नेम को यूज़र नेम से सेपरेट करता है। अगर मैं यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस का एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल माय नेम इज सूरज बग्गा, सो आई यूज द ईमेल एड्रेस सूरज बग्गा एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। मेरा फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस है सूरज बग्गा एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम, तो सूरज बग्गा मेरा यूज़र नेम है, बीच में एट द रेट ऑफ का साइन और gmail.com मेरा डोमेन नेम है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो एट द रेट ऑफ साइन का क्या यूज होता है, ये यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करता है। एट द रेट साइन से पहले जो हमारा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं यूजर नेम, बीच में आता है एट द रेट ऑफ का साइन और उसके बाद आता है डोमेन नेम। सो नाउ लेट्स डिस्कस यूजर नेम और वी कैन कॉल इट ईमेल प्रीफिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं यूजर मेल को, यूजर नेम को, जिसे हम बोलते हैं ईमेल प्रीफिक्स भी। इट इज द पार्ट लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ द एट द रेट सिंबल एंड रिप्रेजेंट द यूनिक नेम क्रिएटेड बाय ईमेल यूजर। अब
हमें जिस नेम से अपनी आईडी बनानी है हम उसे एज अ यूजर नेम यूज कर सकते हैं। ये एट द रेट ऑफ के सिंबल के लेफ्ट साइड पे होता है, मींस उससे पहले होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है वो यूनिक नेम जो हमने अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए यूज किया है। टिपिकली द नेम ऑफ द यूजर इज प्रोवाइडेड हेयर। जनरली सब लोग अपना ही नेम यूज करते हैं और साथ में कोई सिंबल यूज कर लेते हैं। विच मस्ट बी स्पेसिफाइड एट डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम एनी अदर यूजर यूजिंग द सेम डोमेन नेम। अब ये बहुत कॉमन सी बात है कि हम में से कई लोगों के नेम कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम अगर सूरज है तो किसी और का नेम भी सूरज हो सकता है, आप में से भी किसी का नाम सूरज हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि सभी एक ही यूजर नेम यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर नाम है राहुल कुमार, तो राहुल कुमार नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स दैट एवरीवन कैन यूज दैट सेम यूजर नेम। ये बिल्कुल गलत है कि सब लोग एक ही यूजर नेम यूज कर सकते हैं। सबका यूजर नेम यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। एक बार अगर किसी को यूजर नेम असाइन हो जाए तो वो दूसरे पर्सन को असाइन नहीं होता है। द यूजर नेम कैन कंसिस्ट ऑफ एनी करेक्टर इंक्लूडिंग लेटर्स ए टू जेड, नंबर्स, अंडरस्कोर्स, पीरियड्स एंड डैशेस। यूजर नेम में हम किसी भी करेक्टर का यूज, किसी भी लेटर ए बी सी डी से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर का हम यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं, किसी भी पीरियड का, ब्रैकेट का, किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल का हम यूज कर सकते हैं, इवन डैशेस का भी यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आर ईमेल एड्रेस, दैट इज डोमेन नेम। इट इज द पार्ट लोकेटेड एट द राइट ऑफ द एट द रेट सिंबल एंड रिप्रेजेंट द डोमेन नेम बिलोंगिंग टू द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब ये कौन सा पार्ट होता है? ये वो पार्ट होता है जो एट द रेट साइन के राइट साइड में, मीन्स हमारा यूजर नेम, उसके बाद एट द रेट साइन, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द डोमेन नेम बिलोंगिंग टू द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हम किस प्रोवाइडर को यूज करके ईमेल सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल की ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जीमेल, ऐसे ही याहू का है yahoo.com, ऐसे ही रेडिफ मेल का है rediffmail.com, हॉटमेल का है hotmail.com। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। एज इन द केस ऑफ gmail.com इज द डोमेन नेम ऑफ गूगल विच इज द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हेयर। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अपनी ईमेल आईडी का, एक एग्जाम्पल था surajbagga@gmail.com। तो यहाँ पे डोमेन नेम क्या है? gmail.com, जो कि हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है गूगल का। मेरा ईमेल अकाउंट डेट मीन्स गूगल पे है और उसका डोमेन नेम है gmail.com। surajbagga@gmail.com अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसमें सूरज बग्गा मेरा यूजर नेम है, बीच में एट द रेट ऑफ का साइन, और बाद में मेरा डोमेन नेम, दैट इज मेरा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है गूगल, जिसका डोमेन नेम है gmail.com। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ अवर सेशन 9, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। देखो अगर मैं ईमेल के एडवांटेजेस की बात करूँ तो नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं। पहले क्या होता था, अगर हमें किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, फॉर एग्जांपल हमसे दूसरे वो सिटी में रहता है, 100 किलोमीटर्स दूर वो सिटी है, तो हम लेटर लिखते थे, उसे पोस्ट करते थे या टेलीग्राम के थ्रू हम उसे सेंड करते थे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन कई बार एक हफ्ता भी लग जाता था मैसेज सेंड करने में। जब से ईमेल स्टार्ट हुआ है इंस्टेंटली हम ये मैसेज तुरंत सेंड कर सकते हैं। सो द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आर, फर्स्ट वन, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ सेंडिंग अ मैसेज एज एन ईमेल रीचेस इट्स रेसिपिएंट इंस्टेंटली। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है मैसेज सेंड करने का, क्योंकि तुरंत मैसेज जो हमने टाइप किया या फिर कोई इमेज सेंड करनी है, वीडियो एक्सेट्रा, वो तुरंत हमने जो सेंड करनी है तुरंत के तुरंत सेंड हो जाएगी। सेकेंड है, इट कॉस्ट लेस देन एनी मैसेजिंग सर्विस दैट इन्वॉल्व पेपर एंड हैंस इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। पहली बात कि ये सिर्फ इंटरनेट हमें चाहिए तो हमारा पैसा बचेगा। हम कोई पोस्ट करते थे या टेलीग्राम करते थे तो उसके पैसे लगते थे। दूसरी बात, उसमें पेपर भी इन्वॉल्व होता है, और ईमेल में हमारा पेपर इन्वॉल्व नहीं होता, डिजिटल मैसेज है इसलिए पेपर इन्वॉल्व नहीं होता, सो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ये। थर्ड इज, इट अलाउज द सेंडर टू ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम ईमेल के थ्रू जितना चाहें उतना डेटा, इंफॉर्मेशन, इमेज, वीडियो, मैसेज, कुछ भी जो हमने भेजना है इजीली मिनट्स में, सेकंड्स में हम उसे सेंड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, हम इजीली सेंड कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फोर्थ इज, इट कैन सेंड अ मैसेज
टू मल्टीपल रेसिपिएंट साइमल्टेनियसली, सबसे बड़ी एडवांटेज। अब क्या है, हमने फॉर एग्जांपल अपना बर्थडे इनविटेशन देना है किसी को, अपने फ्रेंड्स को देना है, 30 फ्रेंड्स को हमने बुलाना है, हमने ईमेल तैयार किया, उसको लेटर पैड पे ईमेल को हमने तैयार किया जो हमने सेंड करना है और हमने भेज दिया डिजिटली। क्या हुआ, हमारे 30 के 30 फ्रेंड्स को एक साथ वो मेल सेंड हो गई और हमें टाइम उस पर कोई हमारा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। सो दिस इज़ ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ ईमेल, जो हम अगर लेटर लिखते हम या नोट पैड पर तैयार करते, नोट्स पे तैयार करते तो हम उसे पहले तैयार करते, हाथ से लिखते, फिर फ्रेंड के घर जा जाके दे के आते, कितना टाइम कंज्यूमिंग था, ईमेल में सेकेंड्स में काम हो गया। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। सो दैट्स ऑल विद आवर सेशन 9, दैट वॉज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट ईमेल। इट वॉज ईजी पार्ट, होप दिस इज क्लियर टू ऑल। गो थ्रू वीडियो केयरफुली, स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, फील फ्री टू आस्क। In the next lecture, we'll discuss session 10. Till then, thank you and have a nice day.